यू नीड वॉल्यूम, यूज दिस प्रोडक्ट। उसके मैंने सारे पत्ते निकाल के उसको गर्म पानी में डाला और मैंने थोड़ी मेथी मिलाई। आपका स्कैल्प पूरा ठंडा हो जाता है। कोला शोला सब अपनी जगह, पानी का काम तो पानी करता है। ये आप अपने बालों में भी यूज कर सकते हैं। डू वन थिंग इफ यू नीड बाउंस। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन हेयर केयर रूटीन। सो आई एम गोना शो यू गाइज माई हेयर केयर प्रोडक्ट्स। मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, कैसे यूज करती हूँ। एंड बाय द वे आई जस्ट वॉश माई हेयर, नॉट जस्ट वॉश माई हेयर, एक्चुअली वॉश करने के बाद मैंने लंच किया। सो मैंने अपने बालों को थोड़ा सा नेचुरली 50% जो है नेचुरली सूखने दिया। नाउ आई एम गोना यूज माई हेयर ड्रायर। एंड उससे पहले मैं क्या करती हूँ, आई एम गोना शो यू नाउ। सो आई एम गोना यूज दिस लीव इन कंडीशनर फ्रॉम सोल डी जनेरो। सो आई एम गोना टेल यू गाइज कि ये क्या करता है। सो आई डिड नॉट कंडीशनर माई हेयर। सो दिस इज वेटलेसली हाइड्रेट्स, डिटैंगल्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड यूवी। सो ये जो आपके बालों को हाइड्रेट रखता है, जो आपके बहुत टैंगल्ड हो जाते हैं, जो अड़ जाते हैं बाल, वो ठीक कर देता है। एंड इट प्रोटेक्ट्स योर हेयर फ्रॉम हीट एंड यूवी। लाइक आई एम गोना ब्लो ड्राई माई हेयर। तो ब्लो ड्राई जब करते हैं अपने बालों को तो उसमें बहुत हीट होता है, सो इट डैमेजेस योर हेयर। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने बालों को ब्लो ड्राई करने से पहले कुछ प्रोडक्ट यूज करें अपने बालों में। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। सो मैं काफी टाइम से ये यूज कर रही हूँ एंड आई एम लविंग इट। एंड सो इसमें लिखा है यूसेज, हाउ टू यूज इट। यूज ऑन डैम्प हेयर फ्रॉम मिड लेंथ टू एंड्स। डोंट यूज इट हियर बिकॉज अगर आप अपने स्कैल्प पे यूज करेंगे तो आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज ऑन दिस पार्ट। गीले बालों में आपको ये स्प्रे करना है एंड बिफोर हीट स्टाइलिंग और एयर ड्राइंग, जैसे कि मैंने आपको कहा। सो लेट्स जस्ट यूज इट जस्ट हियर। मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है गाइस। And I've got a big lip sore here because of the fever. Whenever you wash your hair, don't do this. ये जो होता है ये कभी मत करना। You always do this. हमेशा अपने बालों को ऐसे सुखाओ, ऐसे पकड़ के ऐसे, not this. ऐसे friction बनाओगे तो बाल टूट जाएंगे। So हमने ये लगा लिया है। I'm gonna blow dry my hair. So it's been long. I'm using this hair dryer from Allen and Truman, which is really, really, really nice. So I blow dry my hair like this. बहुत slowly इसको ऐसे लेके जाना है so that बाल आपके अच्छे से सूख जाए and अच्छे से blow dry भी हो जाए। मॉनसून है तो मॉनसून में आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा टूटते हैं। मेरे तो बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बाल जो है वो नीचे से बहुत ज़्यादा कलर्ड थे तो मैंने काट दिया, बिकॉज कलर्ड बाल थोड़े ड्राई हो जाते हैं, बहुत ही हाई मेंटेनेंस होता है। सो इसलिए आई कुडंट डू इट, आई चॉप्ड माय हेयर। सो वंस यू आर डन ड्राइंग योर हेयर, डू वन थिंग इफ यू नीड बाउंस। अपने बालों को उल्टा करो, मशीन ऑन करो एंड जस्ट जोड़े। लुक एट द बाउंस, इट्स क्रेजी राइट। सो जब भी आपके बाल जो है वो फ्लैट हो जाते हैं, अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है, जस्ट उसको उल्टा कीजिए, अपने बालों को उल्टा कीजिए एंड हेयर ब्रश उल्टा घुमाइए। उससे क्या होगा, आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी। आई ऑलवेज डू दिस बिफोर आई स्लीप। जब मैं बेड पे जाती हूँ रात को सोने के लिए, उससे पहले आई कॉम माई हेयर सीधा एंड देन उल्टा। व्हेन आई कॉम माई हेयर, मैं पहले सीधा कॉम करती हूँ एंड देन फिर मैं अपने बालों को उल्टा करती हूँ, फिर कॉम करती हूँ एंड देन यू गेट दिस बाउंस। नाउ व्हाट आई डू इज आई यूज सम ऑयल, not oil but a serum. So I have this serum which I'm gonna use right now. This is from Olaplex, one or two drop, itna hi liya guys, that's it. And just the ends of my hair, just the ends, aur kahin nahi.
नहीं तो बाल ऑयली हो जाएंगे एंड देन फ्लैट हो जाएंगे. द सम किड हुज जस्ट लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग थिंकिंग व्हाट इज शी डूइंग. नाउ आई एम गोना शो यू गाइज माई हेयर केयर प्रोडक्ट्स. मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ. बट फर्स्ट लेट मी जस्ट गो चेंज. हाय गाइज, सो आई एम बैक. I just wore my dress, I wore this neck piece and matching earrings which Yuki gave me years back. And I did not do any makeup because mujhe fever tha and mujhe abhi periods ho gaye hain. So I got chote chote acne, pimples if you can see here and there. And ye lip sore bhi hua hai mujhe. So I'm just getting this thing. Mujhe makeup lagane ka bilkul bhi man nahi kar raha hai. So I did not do any makeup. I just put one lip balm. Anyway, let's get back to what hair care routine. I'm sorry, I am struggling with few things, few problems. जो कि depression में होता है ऐसा, I don't want to say it, that I'm in depression, but हाँ ऐसा होता है जब आप ऐसे situation में होते हैं life में, आप चीजें भूल जाते हैं, आप words भूल जाते हो, and I am fighting with it and I'm doing great and I'm proud of myself. Let's get back to hair care routine. Yes. So I have used this shampoo Olaplex number 4 because I have oily scalp. Mera jo scalp hai bahut zyada oily hai. Literally raat tak mera scalp oily ho jayega because mujhe aadat hai bar bar ye karne ki. Like I keep touching my scalp, keep touching my hair. To usse bhi kya hota hai, aapke haath mein jo oils hote hain wo aapke baalon mein aate hain, isliye wo oily ho jata hai. Anyway, aur agar aap apne wash hair apne हर रोज वॉश करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट बैड. कई लोग बोलते हैं कि हर रोज सर नहीं धोना चाहिए, हेयर फॉल होता है, ये होता है, फलाना ढिमकाना. ऐसा कुछ भी नहीं है. इवन इफ यू वॉश योर हेयर एवरी डे, इट्स एक्चुअली गुड फॉर योर हेयर. इट्स हाइजीन. आपके बालों में कोई भी डर्ट नहीं होता, जिससे अगर आपके बाल क्लीन है, कोई डर्ट नहीं है, कोई ऑयल नहीं है, उससे क्या होता है, लेस ब्रेकेज होता है. मैंने आज कंडीशनर यूज नहीं किया है बट आई यूजली यूज दिस कंडीशनर Olaplex number 5. And there is one more shampoo which I use sometimes, जो कि almost खत्म होने वाला है, that is why. This is detox shampoo. So it detox your hair and this is for all hair types. तो इसमें thin hair के लिए भी होता है, thick hair के लिए भी होता है, all types के लिए भी होता है. तो मैंने all types लिए. So मैं इन दोनों shampoos में switch करती रहती हूँ. और एक shampoo है जो मैं अभी monsoon में तो बिल्कुल भी नहीं use कर रही, वो है this one, Kerastase. So I use this shampoo only when मैंने बहुत ज़्यादा hair product लगाया होता है and तब मैं ये product use करती हूँ. Otherwise this product makes my hair oily in like just few hours. And कभी कभी I use this hair mask from Kerastase, whatever it is. If I'm pronouncing it wrong, I am sorry. इसका texture ऐसा है. Go back Simon, go back. आप घर पे भी एक hair mask बना सकते हैं, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ. So what I do is I use this oil and I use this conditioner. ओके, ये कंडीशनर भी यूज कर सकते हो या फिर आप Olaplex का ये नंबर 3 जो है ये भी यूज कर सकते हो. इफ यू डोंट हैव नंबर 3, यू कैन यूज एनी कंडीशनर. इवन इफ यू डोंट हैव दिस, इफ यू हैव एनी सीरम, लाइक आई हैव दिस सीरम ऑल्सो. एंड अगर आपके पास ये वाला सीरम भी नहीं है, अगर आपके पास कोई भी सीरम है, Try it. Like I tried it and I really liked it. A lot of people messaged me. Surbhi ne bhi mujhe message kiya tha, Surbhi Jyoti, that you know how is it? Like is it good and does it work? She also tried it and she also liked it a lot. So what you have to do is आपको conditioner लेना है एक bowl में and conditioner लेने के बाद उसमें आपका serum डालना है. कोई भी serum चलेगा. You just mix it और उसके बाद अच्छे से उसको मिलाना है और पूरे बालों में इट्स अप टू यू. लाइक आपको सिर्फ आपके एंड्स में लगाना है तो आप एंड्स में भी लगा सकते हो. अगर आपको आपके पूरे स्कैल्प में भी लगाना है तो वो भी कर सकते हो. लाइक आई हैव ऑयली स्कैल्प, तो मैं स्कैल्प पे नहीं लगाती हूँ, बट आपको अगर ट्राई करना है तो आप कर सकते हो. बट हेयर वॉश करने के बाद जब बाल आपके गीले हों तभी लगाना है ये. उसके बाद आपके बाल 2-3 दिन के लिए या मतलब काफी दिनों के लिए एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, एकदम सिल्की हो जाते हैं, एकदम हेल्दी लगते हैं आपके बाल. सो नेक्स्ट इज, सो दिस इज Olaplex नंबर 4 एंड दिस इज क्लेरिफाइंग शैम्पू. दिस
डीप क्लींस, सॉफ्टन्स, रिस्टोर्स शाइन एंड क्लैरिटी. मैंने ये शैम्पू यूज किया बट मुझे ओके लगा. आई डोंट नो, फॉर सम रीजन आई डिड नॉट रियली लाइक इट. आई फील जो ओला का नॉर्मल वाला जो शैम्पू है विच इज नंबर 4, दिस वन आई लाइक दिस बेटर देन दिस वन, बट यू कैन ट्राई इट. मुझे थोड़े दिन पहले रियलाइज हुआ कि मेरे बालों में थोड़ा डैंड्रफ हो गया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत इचिंग हो रही थी. एंड चिराग के भी बालों में काफी डैंड्रफ है. तो जब आपके बालों में डैंड्रफ होता है तो उससे क्या होता है, आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा. एंड सिर्फ हेयर फॉल नहीं होता है, आपको एक्ने होना भी स्टार्ट हो जाते हैं. एंड नॉट जस्ट ऑन योर फेस बट आपकी बैक पे भी होने लग जाते हैं, आपके बॉडी पे भी होने लग जाता है. मतलब जहां जहां डैंड्रफ गिरता है वहां आपको एक्ने होने शुरू हो जाते हैं. दिस इज व्हाट माय डॉक्टर टोल्ड मी. सो आई रिसेंटली आस्क्ड चिराग टू यूज दिस शैम्पू एंड आई हैव आल्सो यूज्ड दिस. ट्रस्ट मी, दिस शैम्पू इज रियली 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 नाइस. चिराग के डैंड्रफ काफी ज्यादा थे जिसकी वजह से उसके बैक में भी बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे थे. सो ही हैज स्टार्टेड यूजिंग दिस शैम्पू एंड दिस इज लाइक मैजिक. उसके जो डैंड्रफ है इट इज ऑलमोस्ट गॉन. दिस इज फॉर ऑयली हेयर एंड डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प. दिस रिमूव्स एक्सेस ऑयल एंड हेल्प्स टू काम द स्कैल्प. ये जो शैम्पू है दिस इज फॉर मेनली पीपल हु हैव डैंड्रफ इन द हेयर एंड हु हैव ऑयली स्कैल्प. अगर आपका ड्राई है स्कैल्प तो इसको यूज मत कीजिए. अगर आपका ऑयली है तो प्लीज यूज दिस. दिस इज लाइक रियली गुड. एंड हाउ मच इज दिस? फॉर दिस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट दिस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि मैंने ही खरीदा था ये. सो ये वाला प्रोडक्ट जो है ये मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिखाया ही था. ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड टोनिंग सोल्यूशन. ये आप अपने बालों में भी यूज कर सकते हैं, लाइक अपने स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हैं. जस्ट यूज डिप इट इन अ कॉटन या फिर कॉटन उसके ऊपर ऐसे लगाएं और पूरे अपने स्कैल्प पे अच्छे से इसको लगाएं. उससे क्या होगा, आपका जो एक्सेस ऑयल है वो निकलता है, आपका जो स्कैल्प है वो हेल्दी रहता है. बेसिकली मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं मिल रहा है बट ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है. एंड आप इसको अपनी बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं. मैं चिराग की बैक पे यूज कर रही हूँ आजकल क्योंकि उसको बैक पे एक्ने हो गया है. एंड आई एम यूजिंग दिस ऑन माई फेस ऑल्सो. फॉर दिस प्रोडक्ट इज लाइक रियली 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 गुड. ब्रीद, आई जस्ट ड्रिंक वाटर एंड कम बैक. कोला शोला सब अपनी जगह, पानी का काम तो पानी करता है. डायलॉग मैंने इतना गंदा बोला ना अभी, बट यस पानी का काम सच में पानी करता है. आई एम सो थर्स्टी. आई नो मेरी मम्मी अगर ये ब्लॉग देख रही होगी तो बोलेगी बेटा बैठ के पानी पीते हैं, खड़े होके नहीं पीते हैं. बट आई डोंट हैव अ चेयर हियर एक्चुअली. आई हैव अ सिट एंड टॉक टू यू गाइस बट इट्स ओके. अब मैं आपको अपने सीरम्स दिखाऊंगी. ओके सो फर्स्ट आई एम गोना शो यू दिस जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ. दिस इज फ्रॉम ओलाप्लेक्स. फोकस कैमरामैन. यस दिस इज नंबर 7 बॉन्डिंग ऑयल फ्रॉम ओलाप्लेक्स. And then I have this serum from Karas Takse, whatever is it. Yaar, focus kyun nahi ho raha? Haan, ho gaya, ye lo. And after that, I have this serum, which is really, really, really nice. This is from Rika. It's a treatment oil. Toh main switch karti rehti hun. Kabhi ye, kabhi wo, kabhi ye, kabhi wo. And then the most amazing thing जो है, अगर कभी सर दुख रहा हो, कभी ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, कभी कुछ हो जाए, सर को थोड़ा ठंडा रखना है और नवरत्न तेल नहीं लगाना है तो गाइज ये लगाएं. Soothing intensive relief treatment. When it's saying relief treatment, believe it. आपको इतना रिलीफ मिलता है, इतना रिलीफ मिलता है. जब भी आप अपने स्कैल्प पे इसको लगाते हैं ना, मतलब जस्ट अपने ऐसे स्कैल्प पे लगाना है, एक 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 करके ऐसे ऐसे करके हल्का सा मसाज करना है एंड देन उसके बाद छोड़ देना है. ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर. आपका स्कैल्प पूरा ठंडा हो जाता है. यू फील सो गुड, यू फील सो अमेजिंग. और मैं अब आपको एक चीज दिखाऊंगी जो कि मैंने घर पे खुद से बनाई है. कैन यू गाइज गेस वॉट इज दिस? नो ऑफकोर्स नॉट. कैसे पता चला होगा जब मैंने दिखाया ही नहीं कि बनाया कैसे है, मैंने क्या बनाया. सो दिस इज
रोज मेरी वाटर। मैंने बहुत दिनों से सोचा कि मैं रोज मेरी वाटर बनाऊंगी। 3 बार रोज मेरी मंगवाए मैंने और 3 बार वो सड़ गए, लेकिन 4th बार मैंने सोचा कि नहीं, अब तो करके ही रहूंगी। सो आई मेड इट एंड दिस इज लाइक टू गुड। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैन यू सी दिस, यहाँ पे बाल कितने ज़्यादा कम हैं और यहाँ पे कुछ कुछ एक जगह है जहाँ पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। एंड पहले मेरे बाल ऐसे नहीं थे, बट स्ट्रेस ये सब चीज़ें कर देता है, बट इट्स ओके। सो मैंने रोजमेरी का एक बंच मंगवाया था विच वॉज फॉर 58 रुपीज़, एंड वो उसके मैंने सारे पत्ते निकाल के उसको गर्म पानी में डाला और मैंने थोड़ी मेथी मिलाई और बहुत उसको बॉईल किया। जब तक मैंने लिटरली इतना पानी डाला था और जब तक वो पानी इतना नहीं हो गया तब तक उसको बॉईल करते रहे और उसके बाद ये जो है पानी बना। जहां जहां मुझे लगता है कि मुझे हेयर ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है, थोड़ा हेयर लॉस हो रहा है, वहां वहां पे मैं स्प्रे कर लेती हूँ एंड इट्स वेरी इजी। रोजमेरी इज द बेस्ट 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 थिंग फॉर हेयर ग्रोथ। तो ये क्या है, कुछ चीजें जो घर पे बनती हैं लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। सो चिराग रिसेंटली गॉट मी दिस। चिराग व्हेनेवर ही सी सम रील्स ऑन यूट्यूब, कुछ भी वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखता है या फिर इंस्टा पे कोई भी रील्स वगैरह देखता है तो उसको ऐसा हो जाता है कि डू यू वॉन्ट दिस, आई एम ऑर्डरिंग दिस फॉर यू। दैट्स रियली स्वीट ऑफ हिम, आई लव माई हस्बैंड। Sometimes it irritates me also, but it's okay. So what you have to do is, इसको यहाँ से ओपन करना है एंड इसके अंदर कुछ भी डालना है जो आप चाहते हैं कि आपके रूट्स तक जाए। सो बेसिकली अगर मेनली जो है ऑयलिंग करनी हो तो आप इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा गर्म करके इसके अंदर डाल सकते हैं। दिख रहा है, अब दिख रहा है, हाँ दिखा, अभी दिखा। सो ये इसमें सारे लिखा हुआ है कितना 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 मिलीलीटर है, तो जितना भी आपको ऑयल चाहिए इसमें गरम करके इसमें ऑयल डालो एंड देन जस्ट इसको ऐसे टाइटली बंद कर दें एंड देन यू जस्ट ओपन दिस। ये जो है ये ऐसा दिखता है, एक एक पोर्शन निकालें और अपने बालों में ऐसे ऐसे करके ये लगाएं। दिस इज रोलिंग बीड एप्लीकेटर। अभी मॉनसून चल रहा है तो मॉनसून में मैं अपने बालों में ज्यादा ऑयल नहीं लगाती हूँ, तो व्हेनेवर आई पुट ऑयल आई टेक अ कॉटन बोल लेती हूँ, ऑयल गरम करती हूँ, उसमें डिप करती हूँ और अपने स्कैल्प में ऐसे ऐसे लगाती हूँ। और बहुत ही घिसना नहीं होता है, अगर आप जितना ज्यादा अपने बालों को घिसेंगे उतना ज्यादा आपके बाल टूटेंगे, तो बहुत ही आराम से अच्छे से मसाज करना होता है अपने बालों को। देयर इज वन मोर प्रोडक्ट विच आई रियली लाइक इज दिस वाई का, दिस इज स्कैल्प एंड बॉडी स्क्रब। सो वेन आई हर्ड अबाउट दिस प्रोडक्ट मैं ऐसे हो गई थी, मैंने कहा क्या स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं और बॉडी पे भी लगा सकते हैं, आई हैव ऑयली स्कैल्प। तो मैंने आई टोल्ड देम दैट यू नो आई हैव ऑयली स्कैल्प, सो शुड आई यूज दिस। सो दे वर लाइक या यू कैन यूज इट, बट आपको शैम्पू 2 बार लगाना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। गाइज मैंने लिटरली ये प्रोडक्ट जो है ओआई का मैंने यूज किया अपने स्कैल्प पे एंड आई फेल्ट सो गुड। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना ज्यादा अच्छा लगा, बट मैंने ऑब्वियसली 2 बार शैम्पू यूज किया। सो दिस इज अ हीट प्रोटेक्टर फ्रॉम टोनी एंड गाय। ये हीट प्रोटेक्टर मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, जब मैं ये मोहब्बतें में थी मैं तभी भी यही वाला हीट प्रोटेक्टर यूज करती थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। देखो आपसे बात करते करते मेरे बाल थोड़े से ऑयली होने शुरू हो गए। सो अगर आपको स्टाइलिंग चाहिए अपने बालों में एंड यू नीड वॉल्यूम, यूज दिस प्रोडक्ट। This product is really nice. Again, this product is from OI and this is volume spray. So what you have to do is, अगर बाल धोए हैं तो हल्के से गीले बाल जो होते हैं उस पर आप यहाँ पे इस एरिया में जहाँ जहाँ आपको बाउंस चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, वहाँ पे अपना स्प्रे कीजिए एंड देन यूज योर हेयर ड्रायर। दिस इज फॉर 2900 एंड आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। मेरी सिस्टर ने भी ये यूज किया था एंड शी ऑल्सो रियली लाइक इट। There is one more product, sea salt waves texture spray. Sometimes I use this also. This is from Nashi. ये मेरे किसी एक हेयर स्टाइलिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया था अगेन फॉर बाउंस एंड ऑल, लाइक यू नो अगर आपको थोड़ा सा वो रफ टेक्स्चर चाहिए अगर आप बालों में। समटाइम्स क्या होता है आप किसी पार्टी में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो जैसे मेरे बाल हैं अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो ऐसे ही हो जाते हैं,
तो थोड़ा सा रफ टेक्सचर बनाने के लिए दिस प्रोडक्ट इज रियली नाइस. दिस इज फ्रॉम नाशी. सो ये चिराग भी यूज करता हूँ, मैं भी यूज करती हूँ. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ड्राई शैम्पू फ्रॉम टोनी एंड गाय. रिसेंटली मुझे बताया है कि चाहे कितना भी महंगा ड्राई शैम्पू ले लो, वो आपके जो बाल है वो व्हाइट करेगा ही करेगा. बट वॉट यू कैन डू, आई विल यूज द ड्राई शैम्पू, उसके बाद मैं हेयर ड्राई करूंगी, बट गर्म वाला नहीं, ठंडा वाला. सो हेयर ड्राई को कूल मोड पे रखूंगी और उसके बाद मैं उसे ब्रश के साथ थोड़ा सा घुमाऊंगी, सो दैट यू नो वो व्हाइटनेस नहीं रहे, लेकिन जो ड्राई शैम्पू का जो पाउडर है वो पूरे स्कैल्प में मेरे हो जाए एंड जो जितना भी ऑयल है वो सारा निकल जाए. एंड देयर इज वन मूज जो मैं कर्ल्स के टाइम पे यूज करती हूँ. दिस इज फ्रॉम श्रॉस्कॉफ वॉल्यूमेनिया मूज जो है फॉर इनसेन वॉल्यूम. सो आई गॉट दिस फ्रॉम सेशेल्स. दिस इज रियली गुड. मैंने काफी टाइम यूज किया है इसको. जब मैं अपने बालों को कर्ल करती हूँ उससे पहले मैं यूज करती हूँ ये. तो अगर आपको अच्छा सा वॉल्यूम चाहिए है और आपको आपको चाहिए कि आपके कर्ल्स टिके रहें, सो यूज दिस प्रोडक्ट. दिस इज फ्रॉम श्रॉस्कॉफ. आई एम श्योर ये इंडिया में भी मिलेगा. मैंने तो स्पेशल से लिया था. जस्ट चेक इफ यू कैन गेट इट. आई एम श्योर यू विल गेट इट. सो आई गॉट दिस फ्रॉम Bath and Body Works and this is a thousand wishes shimmer hair perfume. जब भी मैं अपने बालों में ये स्प्रे करती हूँ मेरे बालों में हल्का सा वो शिमर आता है. एंड आई डोंट नो, आई जस्ट ट्राई इट. अगर आप लोगों को दिखे, मैंने ये दुबई से लिया था. अब पता नहीं यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता. ओके, दिस स्मेल्स रियली गुड एंड आई डोंट नो इफ यू कैन सी द शिमर. इफ यू गोइंग फॉर सम पार्टी एंड ऑल, दिस प्रोडक्ट इज रियली रियली नाइस. वो आपके बालों में हल्का सा वो शिमर आता है एंड मुझे बहुत मजा आता है जब मेरे बाल, यू नो व्हेन योर हेयर द स्मेलिंग गुड, आपके बालों से जब अच्छी खुशबू आती है तो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट. सो दिस प्रोडक्ट यू कैन यूज दिस ऑन योर बॉडी ऑल्सो एंड एज वेल एज ऑन योर हेयर ऑल्सो. तो मुझे, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे बड़ा मजा आता है व्हेन एवर आई एम स्मेलिंग गुड, चाहे वो मेरी बॉडी हो, चाहे वो मेरे बाल हो, कुछ भी हो, इट शुड स्मेल गुड. ओके, हो गया. नाउ माय हेयर इज स्मेलिंग सो गुड. दे लुक, दे यू नो, मजा आ गया. सो मेक श्योर अगर आपकी बॉडी भी अच्छी स्मेल कर रही है, मेक श्योर कि आपके बाल भी अच्छे स्मेल करें, क्योंकि whenever you know Chirag he kisses me on my forehead या फिर उसके बाल, मतलब उसके मुँह पे मेरे बाल आ जाते हैं, like you know your hair is smelling so good and I'm like I know right, you feel so good. So that's it guys, ये थे मेरे hair care products जो मैं आजकल use कर रही हूँ. There were few more products जो कि मैंने declutter कर दिया है, like as you guys know I love decluttering stuff, ताकि नई चीज़ें आपकी life में आए, नए products आपकी life में आए. And बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को एक और हेयर केयर पर वीडियो बनाऊंगी वेयर आई एम अप्लाइंग फ्यू प्रोडक्ट्स, जहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी कि कैसे इन प्रोडक्ट्स को मैं यूज करती हूँ. किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी आपको पूछना हो तो बेझिझक आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं. एज यू गाइज नो आई ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों को रिप्लाई करने में. कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ पूछना हो कि ये जो प्रोडक्ट है दिस इज लाइक रियली एक्सपेंसिव कृष्णा, बट इसका कुछ ऑल्टरनेट अगर आप मुझे बता सकते हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगी. सो डू लेट मी नो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज हिट द लाइक बटन कर दो यार, कुछ नहीं होता, बस ऐसे प्रेस करना होता है. एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल. और भी ज़्यादा तो वीडियोज़ हैं, और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो मैंने बनाए हैं अपने स्किन केयर पे, मेकअप पे एंड ऑल दैट. डू वॉच दैट ऑल्सो. एंड दैट्स इट. आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम हियर एंड टॉकिंग टू यू गाइज, शोइंग यू गाइज, यू नो माई टेलिंग यू गाइज कि मेरी लाइफ में क्या है, क्या नहीं है, मैं क्या यूज करती हूँ. सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, आप लोग मुझे पूछते हैं कि आप कौन सी चीज़ें यूज करते हो, कौन सी नहीं यूज करते. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब कुछ आपको आपके साथ शेयर करने के लिए. एंड आई नो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है एंड मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ. आई होप यू गाइज कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. बीच बीच में क्या होता है कि आई हैव माई मेंटल ब्रेक डाउन, कभी कभी क्या होता है आई एम नॉट वेल, तो मैं नहीं बना पाती हूँ.
बट चाहे थोड़ी देरी हो जाए लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो वीडियो आप लोगों को जरूर दूँ जो आपको चाहिए है मुझसे. सो दैट्स इट, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी अभी. आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, शुक्राना, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू, बाय.